जय माता दी। कुल्ली टीवी के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक विधि के बारे में बात करते हैं। महारानी की पवित्र नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं और आप इस नवरात्रि में घर पर ही कलश स्थापना भगवती की आराधना कैसे कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सरल संक्षिप्त विधि आपको बताई जाएगी जिससे कोई कमी भी न रह जाए और सारे कार्य भी सिद्ध हो और भगवती के कलश की या खेतरी बीजने की प्रक्रिया भी आपकी पूरी हो जाए। बहुत सरल विधि। तो दर्शकों, सबसे पहले करना क्या है, आप सामग्री पूजन की रेडी कर लीजिए। जो भगवान को महारानी को अर्पण करना हो, रौली मौली फूल चावल गुड़ धूप पान सुपारी लौंग इलायची कलश का सामग्री मंगवा ले। नारियल आम के पत्ते मिट्टी कलश बनाना चाहे तो उसमें बना सकते हैं। पीतल या तांबे का कलश भी स्थापित कर सकते हैं। जो खेतरी बीजनी है आपने, वो जौ को एक दिन पहले भिगो दे ताकि और जल्दी से अंकुरण हो सके। और मिट्टी मंगा के रखिए। सारा सामग्री रेडी करके आप बैठ जाए पवित्रता से। और सबसे पहले बात करते हैं, आप जब बैठेंगे तो आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, ईस्ट की तरफ। सूर्य इधर से निकलता है, आपका मुख उधर की तरफ होना चाहिए। सूरज इधर से निकलता है, उधर मुंह करके बैठ जाए आप। और उसके बाद सबसे पहले ऐसा कोई आसन में बैठे, अगर आपके पास कुशा का आसन है, कंबल बिछाल है या कोई भी आसन के बिना नहीं बैठना, आसन लगा के बैठे। सामग्री सारी रेडी कर लिया आप। सबसे पहले उस दिन प्रातः काल जल्दी उठे और घर की साफ सफाई बिल्कुल पवित्रता से करके, खुद को पवित्र करके, स्वच्छ वस्त्र पहन करके महारानी की पूजन की सामग्री रेडी करें। और सबसे पहले जिस पात्र में आप जल लेंगे, अगर आपके पास ऐसा अर्घा ना हो तो आप तांबे का कोई पात्र ले सकते हैं या चम्मच ले सकते हैं या फिर आम के पत्ते से बना सकते हैं, अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले ऐसे लीजिएगा और हस्त प्रक्षालन करें ऐसे। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है, क्योंकि आम दर्शकों को मंत्र का अभाव है, तो आप सिर्फ प्रक्रिया करते जाए। और जब कोई वस्तु चढ़ाए तो ये बोला करना है समर्पया, जिसे आपने जल चढ़ाया या पुष्प चढ़ाया या वस्त्र चढ़ाया भगवान को, तो समर्पया उसका मतलब होता है हमने प्रभु आपको समर्पण किया। तो इतना बोलते रहना है। हस्त प्रक्षालन करने के बाद आपने तीन बार आचमन करना है, ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, ऐसे भी करके हाथ धुलेंगे। और उसके बाद खुद को पवित्र ही करना है। कोई पुष्प है तो पुष्प ले ले, कुसा ले ले या फिर हाथ में जल लेकर के ऐसे पवित्र करना। ओम पवित्र पवित्र सर्वावस्थाओं तो पुनरी। अगर आपको मंत्र नहीं आता तो बिल्कुल भी मत घबराए, आपने सिर्फ नियम पूरे करने, पवित्र कर लिया आपने। उसके बाद थोड़ा सा जल लेना है और पृथ्वी में ऐसे गिरा देना है और ऐसे हाथ रखना है, पृथ्वी माता का धन्यवाद करना है। मंत्र होता है, लेकिन अगर आप मंत्र ना बोले तो बस धरती का ध्यान कीजिए, पृथ्वी का धन्यवाद कीजिए। उसके बाद दर्शकों आपने क्या करना है, बाएं हाथ में थोड़ा जल रखें, अपने ऊपर ऐसे छींटा ले लें पांच बार या सात बार, अपने इष्ट का नाम लेते हुए, मां गंगा आदित्यों का नाम लेते हुए या गायत्री मंत्र पढ़ते हुए ऐसे बनकर जल छिड़क लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, तिलक लेना है और तिलक को अपने मस्तक पे, देखिए एक बात और यहां पे आपको बहुत जानी जरूरी है, जब खुद को तिलक लगाना है तो बड़ी उंगली से लगाना है, जब भगवान को लगाते हैं तो इस अनामिका उंगली से, जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, या पितरों को लगाते हैं पितृ कार्य में तो पहली उंगली से, और जब किसी सामने वाले को दूसरे को लगाते हैं तो अंगूठे से, लेकिन जब खुद को लगाना है तो बड़ी वाली उंगली से तिलक लगाना है। ऐसे तिलक लगाए, रक्षा सूत्र मौनी बांध दे, इतना हो गया आपका। यहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगा, सबसे पहले ये आप करें किस समय, वैसे तो नवरात्रि नव दिन महारानी के साधना के दिन होते हैं। मैं हमेशा कहा करता हूं कि अगर आप कोई भी साधना इन पवित्र दिनों पर करते हैं, कुछ भी मनोकामना भगवती से इस पवित्र अवसर पर कहते हैं, हमेशा पूजा पाठ मंत्र उपाय का महत्व है, लेकिन ऐसे भी जब बड़ा अवसर मिल जाए, ऐसे कोई साधना के दिन बन जाए तो इनका फल 10 गुना बढ़ जाता है। तो इसका शुभ मुहूर्त सुबह 5:50 से लेकर के, जो कलश स्थापना का खेतरी बीजने का, सुबह 5:50 से लेकर के 10 बजे तक होगा। और मान लीजिए अगर इस अवधि में, इस समय में आप ना कर पाए किसी वजह से, तो फिर 11:40 से लेकर के 12:30 के बीच में भी आप इसको स्थापना कर सकते हैं। तो दर्शकों आपने तिलक लगा लिया, रक्षा सूत्र बांध लिया, उसके बाद दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, धूप और जोत प्रज्वलित करें।
महारानी के नाम लीजिए, दीपक ज्योति पर ब्रह्मा दीपक ज्योति जनाग्रह दीपो हृदय पापम दीपक ज्योति नमोस्तुते। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो दीप जलाना है, धूप जलाना है, बस भगवती का स्मरण करते रहना है, स्मरण करते रहना है। आपने धूप दीप प्रज्वलित किया महारानी के नाम लेने के बाद, और उसके बाद धूप जो प्रज्वलित कर लीजिए, फिर उसके बाद क्या करना दर्शकों, आपने इस तरह स्वास्तिक आपने बनाया होगा, मैंने पहले भी कहा तैयारी पहले से करें। ये सामग्री आपको वीडियो में दिख रही होगी, ये पूजन की सामग्री यथाशक्ति आपके पास जो सामर्थ्य है प्रस्तुत दीजिए। कलश जरूर नारियल आम के पत्ते और पात्र रखें, ऐसे स्वास्तिक के निशान बना लें किसी प्लेट में और एक थाली में बना लें और एक थाली पूजन सामग्री रख लें। उसके बाद आपने पुष्प फूल और चावल लेना है, हाथ जोड़कर बड़े भाव से अपने इष्ट अपने गुरु महाराज का ध्यान करना है, अपने गुरुदेव का ध्यान करना है, और उसके बाद गुरु का ध्यान करने के बाद फिर भगवान गणेश जी का स्मरण करना है। अगर कोई मंत्र आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ओम गणेश आर्मा भगवान से प्रार्थना करना, परमात्मा गणेश आपका हम आवाहन करते हैं आप आइए। ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कवित्थजम भूगर्चार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ऐसे गणेश जी का गणेश जी बुला करके पुष्प और चावल ऐसे स्वास्तिक में आप अर्पण कर देंगे, इतना कर देना है आपने। उसके बाद फिर आप संकल्प लेंगे, ऐसे जल ले रहे इसमें पुष्प रख लीजिए, चावल रख ले, कोई सिक्का है रख ले, सुपारी रख ले, थोड़ा सा मौली रख सकते हैं, और आपको संकल्प बोलना पूर्णतः नहीं आएगा तो केवल इतना बोलना है, आज प्रथम नवरात्रे है, प्रतिपदा तिथि है, और आज माँ भगवती के नवरात्रि प्रारंभ है, चैत्र मास का महीना है, और माँ भगवती का समीप हम पूजन करने का, कलश स्थापना करने का हम संकल्प लेते हैं। अपने गोत्र का नाम बोले और अपना भी नाम बोल दे, महारानी का नाम लेते हुए ऐसे जमीन पर अर्पण कर दीजिए। इसके बाद आपने क्या करना है, भगवान गणेश जी का पूजन शुरू कर देना है। एक पुष्प ले, कुशा ले ले, कोई पात्र ले ले, ऐसे जल ले, ऐसे पाद्यो पाद्यो हस्तोरोगे मुखे आचमे सर्वांगे स्नानम सर्वयामि। केवल आप इतना बोल देते हैं, जलम स्नानम समर्पयामि, मैंने पहले भी कहा समर्पयामि का मतलब होता है मैं आपको समर्पण किया प्रभु, ये वस्तु ये चीज मैंने आपको अर्पण किया समर्पण किया। उसके बाद पंचामृत आपने बनाया होगा, दूध दही शहद घी शक्कर थोड़ा सा लेकर के इसे भी अर्पण कीजिए। पंचामृतम समर्पयामि गणेश आमिकाभ्याम नमः। पंचामृत के बाद फिर से आप शुद्ध जल लेंगे और शुद्ध जल अर्पण कर देंगे भगवान गणेश जी को। इसके बाद दर्शकों आपने रक्षा सूत्र लेना है, मौली होगी आपके पास, कोई कलावा होगा धागा होगा, उसे तोड़े दो बार तोड़ ले, वस्त्र उपवस्त्र समर्पयाम ऐसे भगवान को अर्पण कर दीजिए। उसके बाद यज्ञोपवीत ले लें, जनेऊ ले लें, जनेऊ भगवान को यज्ञोपवीतम समर्पयाम। अगर किसी सामग्री का नाम ले रहे हैं मुश्किल हो संस्कृत में नाम ना है तो आप जनेऊ समर्पयाम, केवल श्रद्धा विश्वास से बस एकाग्र मन करके अर्पण करना भगवान को। तो आपने जनेऊ चढ़ा दिया, फिर आपने तिलक लेना है, और तिलक को लेने के बाद इस उंगली से भगवान को तिलक गंधम तिलकम समर्पयामि ऐसे करके भगवान को अर्पण कर देना भाव से गणेश जी महाराज के नाम लेकर के। इसके बाद उसको चावल अक्षतम समर्पयामि, अक्षत अर्पण कर दिया आपने, फिर पुष्प लेना है, अक्षत के बाद फिर पुष्पम समर्पयामि भगवान को पुष्प आपने अर्पण कर दिया। इतना करने के बाद फिर आपने धूप दिखाना है, ऐसे उठा के भी दिखा सकते हैं ऐसे ही, धूपम दीपम समर्पयामि ऐसे अर्पण करना है। फिर थोड़ा सा अपना हाथ धुलेंगे, ऐसे कोई रुमाल कपड़ा साफ लेके बैठे, हाथ धुलने के बाद रुमाल से हाथ साफ कीजिए, फिर भगवान को नैवेद्य अर्पण करना है। ऐसे कोई मिष्ठान या जो भी आपने भगवान के लिए लाया हो, बर्फी हो सकती है, मिष्ठान हो सकता है, कोई भी मिष्ठान आपका शुद्धता पूर्वक भगवान को ऐसे ओम नाभ्याम इसका मंत्र होता है, लेकिन आपने नैवेद्य समर्पयामि मिष्ठान समर्पयामि भी आप बोल सकते हैं भगवान को, ऐसे अर्पण कर दीजिए गणेश जी महाराज का नाम लेकर। उसके बाद दर्शकों फिर आपने जल लेकर के ऐसे भगवान को अर्पण कर देना है, आचमलियम समर्पयामि है ना, हम इसे बोलेंगे आचमले, जैसे हम कुछ ग्रहण करने के बाद जल पीते हैं तो ऐसे भगवान को हमने, केवल इतनी सी बात जैसे हमारी क्रिया होती है सुबह से भगवान की ऐसी क्रिया होता है, पहले नहाते हैं वस्त्र पहनते हैं, जैसे भी ऐसे परमात्मा की भी है, नैवेद्य आपने चढ़ा दिया, जल दे दिया। उसके बाद आपने जो भी फल आपके पास हो, ऋतु फल यानी कि फल भगवान को अर्पण करना है, ऋतु फलम समर्पयामि
आपने फल अर्पण कर दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, तांबूल पत्र आप पान का बीड़ा लगा लेगा, पान का बीड़ा ना ना अगर किसी को लगाना भी ना है तो पान के पत्ते के ऊपर और उसमें लौंग सुपारी इलायची रख करके भगवान को ऐसे अर्पण कर दिया, तांबूल पत्रों पूंगी फलम सर्वयाम, इतना आपने कर दिया। उसके बाद अगर आप सुगंधित द्रव्य वगैरह है तो इसको भी आप पहले भी अर्पण कर सकते थे, सुगंधित द्रव्य आपने भगवान को चढ़ा दिया। फिर उसके बाद कुछ ना कुछ दक्षिणा, चाहे एक रुपए हो, दस रुपए हो, सौ रुपए हो, दक्षिणा की कोई गणना नहीं होती, बस भाव से भगवान को अर्पण कर देना होता है। द्रव्य दक्षिणा समर्पयामि, ऐसे आपने गणेश जी को अर्पण कर दिया। इतना करने के बाद फिर आपने भगवान से पुष्पांजलि प्रार्थना करना है, हाथ जोड़ करके भगवान से कहना, परमात्मा आप समस्त विघ्नों को दूर करने वाले हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपनी सेवा करने का अवसर दिया, हमारे सभी विघ्नों को दूर करना, हमें आशीर्वाद देना, ऐसे बोल करके प्रार्थना पूर्वक नमस्कार करूंगी। आपने भगवान की पुष्पांजलि की, नमस्कार कर दिया। इतना करने के बाद फिर आप ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, है ना, अक्सर तो हम लोग ऐसे करते हैं प्रदक्षिणा, ऐसे भगवान की प्रदक्षिणा, यानी कानी च पापानि जन्मांतरितानि च तानि कार्य विरसन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे, ऐसे आपने प्रदक्षिणा कर लेना भगवान का और भगवान से नमस्कार कर लेना है। यहां तक आपको भगवान गणेश जी की पूजा बड़ी सरल विधि से आपने संपन्न कर लिया। अब आगे कलश स्थापना की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ऐसे आप पात्र में कलश वगैरह का इंतजाम सारा कुछ कर ले, श्रीफल इसे नारियल बोलते हैं, श्रीफल ये देखिए, इसके भी पहले अगर करना चाहें तो जिसमें आप खेतरी बीजेंगे, इसे आप पूरी तरह से तैयार करके रखें शुद्ध मिट्टी से, और इसमें हाथ लगा करके पृथ्वी का ध्यान करें या भूमि का ध्यान करें, महारानी का नाम ले, इसमें ऐसे हाथ अर्पण करके ध्यान कीजिए, फिर इसको जल से सिंचन कीजिए, जितना उचित जल हो उतना आप इसमें डाल सकते हैं। जल अर्पण करने के बाद फिर आपने जो जौ भिगोया होगा, हमने एक दिन पहले भी बोल दिया था ताकि अंकुरण में आसानी हो, फिर आप ऐसे लेकर के महारानी के नाम लेते रहना होगा, यहां पर केवल महारानी के नाम लेना है, ऐसे आपने अर्पण करके थोड़ा सा मिट्टी के नीचे कर दे। इसको गरमाइश से ही आप किसी कपड़े से चुनरी या से घर भी सकते हैं, जल्दी अंकुरण होता है, तो ऐसे आपने अर्पण कर दिया, थोड़ा सा जल आपने और छिड़क दिया ऊपर। इसके साथ भी आप इसमें तिलक कर दें महारानी का नाम लेके, और कोई मौली वगैरह भी अर्पण कर दीजिए, छोटी सी चुनरी आपके पास है तो आप ऊपर से चढ़ा सकते हैं, देवी का प्रतीक माना जाता है। अब आइए कलश स्थापना की तरफ। सबसे पहले सभी पात्र हो आपके पास, चाहे वो मिट्टी का हो या ताम्र का हो या पीतल का हो, स्टील को छोड़ करके कोई भी पात्र आप ले सकते हैं। ऐसे आप इसके नीचे पुष्प चावल रख सकते हैं, अगर अष्टदल बना सके तो अच्छी बात है, नहीं तो फूल और चावल मैं करके दिखाता हूं आपको। जय माता दी। ऐसे पुष्प और चावल रखें और ये ऐसे पात्र रख ले, इसमें हमने स्वास्तिक बना रखा है, आप भी स्वास्तिक ऐसे गणेश जी का निशान बना सकते हैं। प्रथम मां गंगा का ध्यान करके इसमें ऐसे जल डालना है। ओम गंगे शिवने शिव गोदावरी सरस्वती प्रदाति कावेरी गुरु, ऐसे मां गंगा का नाम लेके जल से इसको भर दें आप। उसके बाद इसमें देखिए मैंने औषधि रखी है, जायफल है, सर्व औषधि डाल सकते हैं आप, एक रुपए का सिक्का भी इसमें डालें, और साथ में अगर महालक्ष्मी की विशेष कृपा चाहते हैं तो इसमें कमल के फल होते हैं जिसे कमल डोडे कहते हैं हमारे पंजाब आदि में, तो कमल डोडे भी इसमें डाल सकते हैं, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, एक सिक्का, औषधि, कमल डोडे, सब कुछ अर्पण कीजिए, पुष्प और चावल भी थोड़ा सा अंदर डाल दीजिए। उसके बाद एक रक्षा सूत्र ऐसे लेना है, वस्त्रो वस्त्रम सर्वया, वस्त्र बोल करके ऐसे ही इसे बांध देना है, आपने वस्त्र से बांध दिया। इसके बाद आप गड़बी में या पात्र में तिलक भी लगा सकते हैं चारों तरफ से। चंदनम समर्पयामि, जब चंदन लगाए तो बोलना चंदनम समर्पयामि, अंदर हमने सारी औषधि वगैरह डाल दी यथाशक्ति। उसके बाद पत्ता लीजिए, अंबे अंबे के अंबारिके, है ना, भगवती का नाम है लेकिन आप केवल महारानी का नाम लेकर के ऐसे अर्पण कर दीजिए। पत्ता लगाने के बाद आपने इसमें सारी औषधि डाल रखी है, पत्ते भी आप तिलक ऐसे लगा दीजिए माता रानी के नाम लेकर के, बड़े भाव से बड़े श्रद्धा से, मन के अंदर बस भगवती का ध्यान चलना चाहिए दर्शकों। इतनी सरल विधि है कि आप घर में बड़ी आसानी से कर सकते हैं और आपको वैदिक विधि का ही पूर्णतः फल प्राप्त होगा, कोई कमी नहीं रह जाएगी आपकी पूजन में या भगवती की सेवा में, कोई भी नहीं पड़ेगा। और
अक्सर आपने फोटो में देखा होगा नारियल ऐसे रखा होता है, लेकिन दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं नारियल इस तरह रखा जाना चाहिए, है ना। जैसे नारियल लेना है मस्तक से लगाए, है ना, कलश भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए, माता रानी का ध्यान करें, और उसके बाद फिर ऐसे अर्पण कर दीजिए। ये आपने कलश स्थापन कर दिया। इसके बाद कलश का जो पूजन करेंगे उसी क्रम से जैसे आपने पहले देखा है, जल से जलम स्नानम समर्पयामि, फिर आपने बोलना है पंचामृत स्नानम समर्पयामि, कलशाय नमः, कलश कुंभाय नमः, वरुणाय नमः, ऐसे बोल सकते हैं आप। फिर आपने जल ऐसे छिड़कना है। उसके बाद फिर से कोई कलावा रक्षा सूत्र आपके पास हो तो ऐसे आप डबल मौनी ले और वस्त्र उपवस्त्र समर्पयामि भगवान को अर्पण कर दीजिए। इसके बाद जनेऊ लें, इसमें थोड़ा सा तिलक लगा लें, और आपने बोलना है गो पवीतम समर्पयामि, ऐसे भगवान को दोनों हाथ से गो पवीत भी अर्पण कर देना है। फिर आपने फिर से तिलक लगाना है, गंधम तिलकम नारियल पे लगा देना है। फिर आपने अक्षत समर्पणा है, अक्षतम समर्पयामि बोलना है। उसके बाद ऐसे की पुष्प माला लीजिए, फूल माला, और पुष्प माला समर्पयामि कलश देवाय नमः, ऐसे बोल सकते हैं, भगवान को आपने कलश अर्पण कर दिया। फिर धूप दीप, धूपम दीपम समर्पयामि, ऐसे धूप दीप अर्पण कर दीजिए। फिर थोड़ा सा हाथ धुलेंगे हस्त प्रक्षाल गुरु ऐसे करके, फिर भगवान को भी नैवेद्य। अब ये जरूरी है, अब साबर जो है इसे आप तोड़ भी सकते हैं, नैवेद्यम समर्पयामि, फिर जल का ऐसे आसन करा दीजिए। उसके बाद भगवान कलश को ऐसे फल लेकर के ऋतु फलम समर्पयामि, अगर आप ऊपर रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं आप साथ में भी रख सकते हैं। और उसी क्रम से फल चढ़ाने के बाद तांबूल पान का बीड़ा, किसी कारण से पान का पत्ता उपलब्ध ना हो सके कई बार, तो आप सुपाड़ी लौंग इलायची वैसे कलश को अर्पण कर सकते हैं, पान का बीड़ा चढ़ाए। यहाँ पर भी दक्षिणा चढ़ा दीजिए, अगर कई बार दक्षिणा लेके साथ नहीं बैठे हैं तो चावल चढ़ा दें ऐसे। उसके बाद सुगंधित द्रव्य भी यहाँ पर भी सेंट ऐसे डाल दीजिए। इसके बाद दर्शकों कलश से भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए और भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए, माँ गंगा आदि नदियों का ध्यान कीजिए। प्रार्थना करने हमारे घर में हमेशा पवित्रता बनी रहे, हम सब आरोग्य रहे, आपका स्थापना करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जो आपने खेतरी भेजी इसका आपने पूजन कर दिया पहले, फिर कलश को ऐसे उठाएं। अच्छा, कई जगह मैं बताना चाहूंगा कि खेतरी आजकल बहुत छोटे पात्र में भेजी जाती है तो अलग रखते हैं, कलश को अलग रख सकते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप। और अगर और ज्यादा बड़ा पात्र हो तो आप इसके बीच में भी ऐसे कलश स्थापना कर सकते हैं। ये हमने कलश स्थापना कर दिया, समय समय पर जल देते रहेंगे। ये बहुत सरल सटीक विधि आप कलश स्थापना की होगी। इसके बाद संक्षिप्त में ही माँ भगवती का पूजन वंदन शुरू कर देना है। ऐसी कोई प्रतिमा सबके यहाँ या तस्वीर होती है महारानी की, नवरात्र में अक्सर घरों में होती है, क्योंकि हर सनातनी भगवती की आराधना करता है, हर लोग महारानी की शक्ति की आराधना करते हैं। तो ऐसी कोई तस्वीर हो आपके पास या फिर तस्वीर किसी वजह से ना हो तो महारानी के लिए आप किसी पात्र में भगवती के ध्यान करके कोई चीज अर्पण करेंगे तो महारानी को जरूर स्वीकार होगी। तो ऐसे कोई तस्वीर हो तो महारानी का भी ऐसे फूल और चावल लीजिए, माता रानी का कोई भी मंत्र आपको देवी का आता हो, कोई भी मंत्र देवी का आता हो तो उसका आह्वान कीजिए। ओम विद्युदावर समप्रभामृपति स्कंधिताम भीष्णाम कन्या विक्रवारखेट विरदत्ताविलासिताम हस्ते चक्रग्रासिकेतविस्थाम चापं कुलं तर्जनीं विभ्राणामलात्मिकां शशिधरां दुर्वां त्रिनेत्रां भजे। हमने ये मंत्र बोल दिया है, आप कोई मंत्र बोल सकते हैं, अगर मंत्र ना आता हो तो हे महारानी आपका आवाहन कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। और बाबा भैरव का नाम ले हनुमान जी महाराज का ध्यान करना है, उसके बाद महारानी को ऐसे अर्पण कर देना है जहां आपने तस्वीर प्रतिमा भगवती रखी हो। और महारानी का भी ऐसे ही पूजन करना है, जो आपने सूर्य जल का स्नान करना है पहले, फिर थोड़ा सा पंचामृत चढ़ाएं, फिर जल चढ़ाएं, उसके बाद वस्त्र मौली या कोई चुनरी वगैरह आपने लाई हो तो उसे अर्पण कीजिए, भगवती का तिलक करें, उसके बाद श्रृंगार का सामग्री आजकल बनी बनाए पैकेट मिलते श्रृंगार का सामग्री अर्पण कीजिए, धूप दीप दिखाएं महारानी को, फिर प्रसाद फल मीठा जो भी अर्पण करना हो भगवती को अर्पण कीजिए, तांबूल पत्र भी पान सुपारी लौंग इलायची महारानी को अर्पण करें, सुगंधित द्रव्य चढ़ाएं, साथ में कुछ दक्षिणा चढ़ा करके भगवती से प्रार्थना कीजिए। और साथ में अगर कर सकते हैं सभी तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो इस मंत्र का इस नवरात्र में आप इस कलश स्थापना के साथ अगर आप जाप कर सकते हैं तो आप विश्वास रखें दर्शकों, माँ भगवती के आशीर्वाद से हर तरह के रास्ते खुलेंगे और हमारे घर में सुख समृद्धि आएगी, और उसी दिन से नए संवत की शुरुआत हो जाएगी। हिंदू या सनातनी नया साल उसी दिन से प्रारंभ हो जाएगा, पहले नवरात्र से। जय माता दी, बहुत बहुत धन्यवाद।